चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार। फारूक अब्दुल्ला बोले, उमर सीएम बनेंगे। नौशेरा में हार के बाद रविंदर रैना का बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। दोस्तों भाजपा ने 29 सीटें जीती है। पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट से करीब 8,000 वोटों से हार गए। उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। वहीं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 3 सीटें ही जीती है। पिछले चुनाव में पार्टी को 28 सीटें मिली थी। पहली बार चुनाव लड़ रही महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा विजबेहरा सीट से करीब 9,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार जीत हासिल की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा को नमन करता हूं, चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया पहला रिएक्शन। जम्मू कश्मीर पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूं। यह विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि इस महाविजय के लिए अथक परिश्रम और पूरे समर्पण भाव से काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने न केवल राज्य की जनता जनार्दन की भरपूर सेवा की है बल्कि विकास के हमारे एजेंडे को भी उन तक पहुंचाया है। इसी का नतीजा है कि भाजपा को हरियाणा में यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यह चुनाव बहुत खास रहे। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार यह चुनाव हुए हैं और इनमें भारी मतदान हुआ जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास दिखा है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति की सराहना करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा। जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के सपोर्ट में उठाया कदम, कल देश भर में अनशन। जी हां दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। एक सीनियर मेंबर ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स एक मकसद के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और यह संदेश देने के लिए हमने इस्तीफे भी दे दिए हैं। 6 जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। उन्होंने कहा कि हम किसी बाहरी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार से नाराज कांग्रेस जाएगी इलेक्शन कमीशन, कहा ये सिस्टम की जीत लोकतंत्र की नहीं। जी हां दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। इसी बीच दोस्तों हरियाणा चुनाव परिणाम में तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को दरकिनार कर भाजपा ने जीत हासिल कर ली थी। अपनी हार से नाराज कांग्रेस ने कहा कि यह सिस्टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस परिणाम पर हैरानी जताते हुए कहा कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हरियाणा में इतना अप्रत्याशित परिणाम आएगा। उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, हम चुनाव आयोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यदि एक लाइन में कहा जाए तो यह सिस्टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, डोंडा सीट पर महराज मलिक जीते। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी के कार्यालय में जश्न मना रहे हैं। वजह है आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करना। जी हां दोस्तों, पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने डोंडा विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर वह 5वां राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना अंतिम दौर में है। हरियाणा में आम
आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसे पहली बार सफलता मिली है और वहां वह अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। आम आदमी पार्टी ने जम्मू संभाग की डोंडा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी का विस्तार 5 राज्यों तक हो चुका है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। AI के गॉडफादर और अमेरिकी वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल, मशीनों में सोचने की समझ पैदा करने के लिए मिला सम्मान। जी हां दोस्तों, फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा कर दी गई है। इस साल का यह प्राइज AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए यह सम्मान दिया गया, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इससे मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचना और समझना सिखाया जाता है। दोस्तों, जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला है, उन्होंने उसी के विकसित रूप AI को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने 2023 में AI के विरोध में गूगल से इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि AI से बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी, जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस बारे में आपके क्या विचार है। क्या AI इंसानियत के लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम गंभीर के तलवे नहीं चाटने चाहिए, सुनील गावस्कर के बयान ने मचाई खलबली। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि कानपुर में बारिश से प्रभावित दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश पर 7 विकेट से शानदार जीत हासिल करने में बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का श्रेय कप्तान रोहित शर्मा को दिया जाना चाहिए। कानपुर टेस्ट में बारिश के कारण 2 दिन खेल बाधित रहा और गीले आउटफील्ड के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया और लंबे प्रारूप में सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाने के नए रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद भारत ने 285 रन 9 विकेट पर पारी घोषित कर दी और दोस्तों, भारत यह मुकाबला जीतने में भी कामयाब रहा। इस जीत के बाद सभी गौतम गंभीर की कोचिंग और उनकी सोच को सलाम कर रहे थे, लेकिन अब सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स स्टार के एक कॉलम में लिखा है कि टीम इंडिया की आक्रामक सोच के लिए रोहित शर्मा को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। गौतम गंभीर को इसका श्रेय देना उन्हें मक्खन लगाने जैसा है। गावस्कर ने कहा कि गंभीर को कोचिंग की जिम्मेदारी संभाले 2 महीने ही हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस टेस्ट मैच को जीतने का श्रेय किसको जाता है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को या फिर कोच को या फिर दोनों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून ट्रेकर, मेघालय में बाढ़ लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 17 हुई। MP में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की है संभावना। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को सिर्फ केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भारी बारिश हो सकती है। मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 48 घंटे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 7 लोग एक ही परिवार के थे। गसुआपारा इलाके में भी लैंडस्लाइड हुई। 2 दिन से इन इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून की वापसी होने की संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी से एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया कमजोर होने के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट हुआ तैयार, CM धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर से लागू हो सकता है। जी दोस्तों, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून यानी कि UCC को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई UCC कमेटी इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। यह रिपोर्ट उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को समान रूप से लागू करने के प्रावधान शामिल हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर UCC लागू करना चाहती है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लेबनान पर समंदर के रास्ते हमला करेगा इजराइल। भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर इलाके में न जाने की दे दी चेतावनी, 120 मिसाइलों से जमीनी हमला किया। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना ने कहा है कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाकों में ऑपरेशन शुरू करेगी। सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक मछुआरों को भूमध्य सागर से सटे 60 किलोमीटर तक के इलाके में न जाने की चेतावनी दी गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने सोमवार को 1 घंटे के भीतर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हमले में 10 फायर फाइटर्स की मौत हो गई है। इसके अलावा अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी अरेस्ट, 1000 CCTV के 70,000 से अधिक फुटेज खंगाले, चश्मे और एक कोल से गिरफ्तार हुए। जी हां दोस्तों, गुजरात में वडोदरा शहर के भायली इलाके में शुक्रवार की रात एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य 3 आरोप
आरोपियों समेत 5 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए वडोदरा क्राइम ब्रांच ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज के 70,000 से अधिक फुटेज खंगाले। इसके बाद मौके से मिले चश्मे और फोन कॉल से आरोपियों तक वह पहुंच गए। तीनों आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कुछ साल से वडोदरा के तांदलजा इलाके में रह रहे थे। आरोपियों की पहचान मुन्ना अब्बास बंजारा, मुमताज उर्फ आफ्ताब सूबेदार बंजारा और शाहरुख किस्मत अली बंजारा के रूप में हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ताजमहल देखकर मालदीव के राष्ट्रपति की पत्नी का सवाल पूछा, इसे बनाने वाले कहां रहते हैं? मुइज्जू बोले, जितना सोचा उससे भी खूबसूरत है। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू मंगलवार को ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल का इतिहास और शाहजहां की लव स्टोरी जानी। ताजमहल की नक्काशी को बारीकी से देखा। मुइज्जू ने गाइड राजीव सिंह ठाकुर से कहा कि मैं जितना सोचता था ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मुइज्जू की वाइफ साजिदा मोहम्मद ने गाइड से पूछा, इसे कितने लोगों ने बनाया? बनाने वाले आज कहां रहते हैं? गाइड ने जवाब दिया कि ताजगंज एरिया में उनकी पीढ़ी से जुड़े कई परिवार आज भी रहते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बुड्ढों को जवान बनाने का मामला। ऑक्सीजन थेरेपी मशीन बनाने वाले कानपुर के इंजीनियर ने बताई पूरी कहानी। 40 लाख में हुई थी डील। जी दोस्तों, कानपुर में इजरायली मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी देकर बुजुर्गों को जवान बनाने का दावा करने के आरोपी राजीव दुबे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस राजीव के बयान को दर्ज कर चुकी है। इसी बीच उस व्यक्ति का भी पता लगा लिया गया है जिसने इस ऑक्सीजन थेरेपी देने वाली मशीन को इन्वेंट किया था। दरअसल दोस्तों, उस इंसान का नाम है मोहक श्रीवास्तव, जो किंदवई नगर में रहता है। रनिया में उसकी वायु इंडस्ट्रीज के नाम से गैस प्लांट निर्माण की फैक्ट्री है। मोहक ने बताया कि राजीव दुबे 1 साल पहले उसके पास आए थे और कहा कि उन्हें यह मशीन पूरी तरह से इजरायली तकनीक पर तैयार करनी है, जिसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मशीन भी शामिल हो। यह मशीन इतनी उत्कृष्ट हो कि कोई समझ ही ना पाए कि यह भारत में बनी है या इजरायल में। इसके लिए 40 लाख रुपए में डील डन हुई और फिर मशीन निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। प्लास्टर बांधे दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। मनोज वाजपेयी ने गुलमोहर के लिए अवार्ड हासिल किया। जी हां दोस्तों, 70वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इस सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को अवार्ड प्रेजेंट कर रही है। इस साल फिल्म जगत का सबसे गौरवपूर्ण दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती विज्ञान भवन पहुंचे और अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। सेरेमनी की शुरुआत सभी विजेताओं की प्रेजेंटेशन के साथ हुई।